वे प्रजाएं पुनः जब विषाद से व्याकुल तथा भूख एवं प्यास से पीड़ित हो जाती हैं, तब त्रेता युग में उनमें सिद्धि का प्रादुर्भाव पुनः होता है। उनके लिए कृषि कार्य को पूर्णतः सिद्ध करने वाली दूसरी अन्न वृष्टि होती है। वृष्टि जनित वे जल आदि नदियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सततः वृष्टि होने से नदियां तथा जल के अन्य उद्गम स्थान हो गए। इस प्रकार दूसरे वृष्टि सर्जन में नदियों का प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार पृथ्वी तल पर जो जल बिंदु गिरे उन जलों तथा भूमि के संयोग से अल्प कृष्ट बिना बोए 14 प्रकार की वन्य तथा ग्राम्य वन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उगने वाली औषधियां उत्पन्न हो गईं। ऋतु संबंधी विविश विभिन्न पुष्प फल वृक्ष तथा पौधे उग गए। इस प्रकार विभिन्न जाति के वृक्ष तथा औषध उत्पन्न हो गए और उस त्रेता युग में प्रजाएं उन्हीं औषधियों से ही अपना जीवन निर्वाह करने लगी। उसके बाद उन प्रजाओं में हर प्रकार से राग द्वेष लोभ का उदय हुआ और त्रेता युग के प्रभाव से होने वाली अवश्यम भविता के कारण वे प्रजाएं नदी क्षेत्रों तथा पर्वतों का अतिक्रमण करने लगी और वृक्ष गुल्मों तथा औषधियों का बलपूर्वक पुनः हरण करने लगीं। उनके इस विपरीत आचरण से 14 प्रकार की औषधियां विनष्ट हो गईं। अब वे औषधियां पृथ्वी में समा गईं। ऐसा मानकर भगवान विष्णु ने राजा पृथु के रूप में होकर सभी प्राणियों के कल्याणार्थ पृथ्वी रूप गाय का दोहन किया। उसी समय से हल्के फाल से जुती हुई भूमि में यहाँ वहाँ औषधियाँ उत्पन्न होने लगीं। इस तरह अब जीने की इच्छा रखने वाली प्रजाएं प्रयत्नपूर्वक कृषि कार्य करने लग गईं। कृषि में प्रयत्नपूर्वक इच्छा रखने के कारण इसे वार्तावृत्ति कहा गया है। त्रेता युग के उस अंतिम काल में इस कृषि को छोड़कर आजीविका का कोई अन्य उपाय नहीं था। उस समय खनित्र आदि के उपयोग बिना ही हाथ से ही खोदकर पर्याप्त जल प्राप्त हो जाता है। उस समय सभी लोग युग प्रभाव के कारण क्रोध के वशीभूत होकर बलपूर्वक एक दूसरे के पुत्र स्त्री धन आदि का हरण कर लेते थे। उस समय सभी लोग युग प्रभाव के कारण क्रोध के वशीभूत होकर बलपूर्वक एक दूसरे के पुत्र स्त्री धन आदि का हरण कर लेते थे। वह संपूर्ण स्थिति देखकर मर्यादा की प्रतिष्ठा करने के लिए तथा दुख से रक्षा करने के लिए भगवान कमल योनि ने क्षत्रियों की उत्पत्ति की। विश्वात्मा भगवान ने अपने तेज से वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित की तथा उन्होंने स्वधर्म अनुसार जीविका का द्वारा जीवन का निर्माण परिपालन स्वयं किया। इसी प्रकार त्रेता युग में क्रम से यज्ञ अनुष्ठान आदि आरंभ हुआ। सभी की व्रतों में निष्ठा थी, अर्थात कोई भी मनुष्य पशु यज्ञ नहीं करते थे। उसी समय व्यापक दृष्टि वाले भगवान विष्णु ने अपने सामर्थ्य से क्रम पूर्वक यज्ञ संपन्न किए। हे मुने, उस समय द्वज लोग हिंसा न करने वाले की प्रशंसा करते थे। द्वापर में भी लोगों में मन वचन कर्म से बुद्धि भेद उत्पन्न होते हैं, कष्टपूर्वक कृषि कार्य में भी संपन्न होते हैं। उस समय शारीरिक क्लेशवश सभी लोगों में लोभ वृत्ति वाणिज्य कर्म विवाद तथा चित्त कलुष्य कारण यथार्थ वस्तुओं के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगता है। उस समय शाखाओं के रूप में वेदों का विभाग होता है तथा धर्मों के संकर अर्थात अन्य धर्म की प्रवृत्ति होने लगती है। उस द्वापर में ब्राह्मण आदि वर्णों तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का लगभग विनाश हो जाता है। लोगों में वासना द्वेष राग लोभ तथा मद मृत होते हैं। द्वापर आदि कालों में व्यासों के द्वारा एक वेद 4 भागों में विभक्त किया जाता है। ऋग आदि 4 पादों से युक्त एक वेद संहिता का इस भूलोक में त्रेता आदि कालों में अध्ययन किया जाता है। वही वेद द्वापर आदि कालों में आयु संशय के कारण विभाजित कर दिया जाता है। इसके आगे ऋषि पुत्रों के द्वारा अपनी दृष्टि से विभाजन पुनः किया जाता है।
दृष्टि विभ्रम, अलग अलग विचार रखने वाले मनुष्यों ने समान रूप से विभाजित की गई ऋक, यजु तथा साम नामक संहिता को स्वर में वर्णों में वेद से मंत्र ब्राह्मण भाग के स्वरूप में पुनः अलग अलग विभाजित किया। इस प्रकार मनुष्यों ने ब्राह्मण भाग कल्प सूत्र तथा मीमांसा न्याय के सूत्रों की रचना की। कुछ मनीषी इतने विभाजन को पर्याप्त मानकर इसी पर स्थिरमति हो गए, किंतु अन्य मनीषी इस विभाजन को न्यून मानकर इसके विस्तार में प्रवृत्त हुए। अनेक कल्पों के भेद से इतिहास पुराण आदि के भी विशिष्ट भेद होते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण, ये उन पुराण के भेद कहे जाते हैं। इनमें 11वां पवित्र लिंग पुराण द्वापर में विभक्त किया जाता है। मनु, अत्रि, विष्णु, हारित, याज्ञवल्क, उष्णा, अंगरा, यम, आस्तम, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिक्षित, गौतम, शाखातव, वशिष्ठ आदि बहुत से मुनि धर्मशास्त्रों का विस्तार करने वाले। अवृष्टि, अकाल मरण, रोग विघ्न एवं मन वचन कर्म जतित दुखों से निर्वेद उत्पन्न होता है। निर्वेद उन प्रजाओं के मन में दुखों से छूटने का विचार पैदा होता है। उस विचार से वैराग्य तथा वैराग्य से सांसारिक क्रिया कलापों में दोष दिखाई देने लगते हैं और उन दोषों के दर्शन से द्वापर में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। द्वापर में रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त इस प्रकार की वृत्ति कही गई है। आदि सतयुग में एकमात्र धर्म ही सर्वत्र रहता है, वह त्रेता में प्रेरणा से प्रवृत्त हो जाता है। वह धर्म द्वापर में व्याकुल होकर स्थित रहता है तथा फिर कलयुग में नष्ट हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पृष्ठ संख्या 149, 40वां अध्याय, कलयुग के धर्मों का वर्णन। कलयुग में धर्म आदि का ह्रास तथा स्वल्प भी धर्माचरण का महत्फल। कलयुग के अंत में पुनः सतयुग की प्रवृत्ति। आइए शुरू करें। देवराज इंद्र बोले, हे शिलाद, कलयुग में तमोगुण से व्याकुल इंद्रियों वाले मनुष्य माया रचेंगे, दूसरों का दोष देखेंगे तथा तपस्वियों का वध करेंगे। कलयुग में प्रमाद रोग, निरंतर क्षुधाका भय, अनावृष्टि रूप घोर भय तथा देशों का विपर्य विनाश, ये सब होंगे। लोग वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करेंगे तथा अधर्म का आचरण करेंगे। मनुष्य धर्मच्युत होकर अनाचार में रत रहेंगे और महान क्रोधी तथा मंद बुद्धि वाले होंगे। कलयुग में प्रजाएं मिथ्या भाषण करेंगी, लोभ परायण होंगी तथा मलिन आचार विचार वाली होंगी। ब्राह्मणों के दूषित यज्ञ, दूषित पठन, दूषित आचार तथा दूषित शास्त्रों के सेवन रूपी कर्म दोष से प्रजाओं में भय उत्पन्न होगा। द्विजातिगण ना तो वेदों का अध्ययन करेंगे और ना तो यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। क्षत्रिय तथा वैश्य आदि सभी मनुष्य क्रमशः भ्रष्ट हो जाएंगे। कलयुग में ब्राह्मण लोग शूद्रों को मंत्र उपदेश देंगे तथा उनके साथ शयन आसन तथा भोजन आदि का व्यवहार करके उनसे संबंध बनाएंगे। राजा लोग शूद्रवत आचरण करते हुए ब्राह्मणों को संताप देंगे। प्रजाओं में भ्रूण हत्या तथा वीरों की हत्या की प्रवृत्ति व्याप्त रहेगी। शूद्र लोग ब्राह्मणों का आचरण करेंगे तथा ब्राह्मण शूद्रों का आचरण करेंगे। चोर लोग राजाओं के तुल्य व्यवहार करेंगे और राजा लोग चोरों जैसा व्यवहार करेंगे। स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन नहीं करेंगी और व्यभिचारिणी स्त्रियों का बाहुल्य होगा। मनुष्यों में
वर्ण तथा आश्रम संबंधी समस्त व्यवहार समाप्त हो जाएगा। उस समय श्री पृथ्वी कहीं कम तथा कहीं अधिक फल देने वाली होंगी। हे सिलाद, राजागण प्रजाओं के रक्षक ना होकर उनके विनाशक हो जाएंगे। शूद्र ज्ञानी बनकर ब्राह्मणों से वंदित होंगे, क्षत्रिय से इतर वर्ण वाले राजा होंगे। ब्राह्मण आजीविका के लिए शूद्रों पर निर्भर रहेंगे और अल्प बुद्धि वाले वे शूद्र ब्राह्मणों को देखकर अपने आसन से नहीं उठेंगे। स्वल्प बुद्धि वाले शूद्र श्रेष्ठ द्विजों को भी दंडित अपमानित करेंगे। द्विज अपने मुख पर हाथ रखकर शूद्र के कान में विनयपूर्वक नीच व्यक्ति के समान वाक्य बोलेंगे, हे द्विज श्रेष्ठ, कलयुग में काल के वश में होकर राजा ब्राह्मणों के बीच उच्च आसन पर बैठे शूद्रों को देखकर उसे दंडित नहीं करेंगे। वे पुष्पों, सुगंधित पदार्थों तथा अन्य मंगल द्रव्यों से शूद्रों की पूजा करेंगे। हे द्वज, अल्प शास्त्र ज्ञान खोटे भाग्य तथा बल से युक्त शूद्र लोग गर्वित होकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ द्वजों की ओर देखना तक पसंद नहीं करेंगे। अपनी आजीविका के लिए शूद्रों पर आश्रित रहने वाले ब्राह्मण सेवा का अवसर देखकर वाहनों पर स्थित शूद्रों को घेर कर उनके द्वार पर खड़े होकर उनकी सेवा करेंगे। कलयुग में ब्राह्मण अनेक विध स्थितियों से शूद्रों का स्तवन करेंगे। उस समय उत्तम विप्रगण अपने तपों तथा यज्ञों के फल का विक्रय करेंगे। कलयुग में बहुत लोग सन्यासी का रूप धारण कर लेंगे। उस युगांत के उपस्थित होने पर पुरुष तो कम होंगे किंतु स्त्रियां अधिक होंगी। कलयुग में ब्राह्मण वेद विद्या तथा वैदिक कर्मों की निंदा करेंगे। तब उस कलयुग में नील लोहित महादेव भगवान शिव धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अपनी विकृत आकृति अर्थात उक्षिन्न भिन्न लिंग स्वरूप वाले होकर प्रकट होंगे। उस समय जो विप्रगण जिस किसी भी तरह से उन विकृत वेश वाले शिव की आराधना करेंगे, वे कलयुग के दोषों पर विजय प्राप्त कर परम पद को प्राप्त करेंगे। उस कलयुग के अंत में हिंसक पशुओं की प्रबलता तथा गायों का हास होगा और उत्तम साधुओं का अभाव हो जाएगा। उस समय दान के मूल वाला सूक्ष्म ऐश्वर्य का रूप भी दुर्लभ हो जाएगा और ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमों की शिथिलता हो जाने पर धर्म विनष्ट हो जाएगा। उस युगांत में राजा लोग प्रजाजनों की रक्षा न करके मात्र अपनी रक्षा में तत्पर रहेंगे और वली भाग करके हर्ता बन जाएंगे। कलयुग में समस्त प्राणी अन्न तथा कन्याओं का विक्रय करने वाले तथा ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे और स्त्रियां व्यभिचार परायण हो जाएंगी। जब युग क्षय होता है उस समय वर्षा के देवता देवराज इंद्र कहीं कहीं पर वृष्टि करने वाले कहे जाते हैं। उस अधम कलयुग में सभी वणिक जन भी कुत्सित आचरण वाले, दंभ करने वाले तथा पाखंडी अर्थात अवैधिक मार्गों पर चलने वाले होंगे। कलयुग में सभी लोग ग्राम याजक पात्र अपात्र का विचार किए बिना सबका यज्ञ आदि कराने वाले हो जाएंगे। कोई भी मृदु वचन बोलने वाला, सरल स्वभाव वाला, ईर्षा रहित तथा प्रत्युपकारी अर्थात अपने लिए किए गए उपकार को मानने वाला नहीं होगा और सभी लोग निंदक तथा पतित हो जाएंगे। यह सब युगांत कलयुग का लक्षण है। पृथ्वी राजाओं से शून्य हो जाएगी तथा धन धान्य से परिपूर्ण नहीं रहेगी। देशों तथा नगरों में बहुत से स्थान जन शून्य हो जाएंगे। पृथ्वी अल्प जल वाली तथा कम फल देने वाली होंगी। रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तथा लोग स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। युगांत कलयुग में सभी लोग दूसरों के धन का हरण करने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, कामी दुरात्मा, अधम दुस्साहसी, उद्योग रहित, लज्जा रहित, रोगी तथा 16 वर्ष की परम आयु वाले होंगे। कलयुग के उपस्थित होने पर शूद्रगण निर्लज्जता पूर्वक दांत दिखाते हुए गेरुआ वस्त्र तथा रुद्राक्ष धारण कर एवं
मुंडित सिर वाले होकर यतियों के धर्म का आचरण करेंगे। कलयुग में लोग धान्य का हरण करने वाले तथा अत्यंत दुष्ट लोगों के संग की अभिलाषा करने वाले होंगे। चोर चोरों का धन चुराएंगे और उनके भी धन को कोई दूसरा हरण कर ले जाएगा। मनुष्य के विधि सम्मत कर्म से विरत होकर निष्क्रिय होने पर कीट मूषक तथा सर्प मनुष्यों को पीड़ित करेंगे। उस समय सुविक्ष कल्याण निरोगता सामर्थ्य आदि दुर्लभ हो जाएंगे। लोग क्षुधा पीड़ित होकर अपने देश से आकर कौशिकी नदी के तट पर बसेंगे। लोग दुखित होकर 100 वर्ष की पूर्ण आयु व्यतीत करेंगे। कलयुग में सभी वेदों का प्रचार प्रसार कहीं दिखाई देगा और कहीं नहीं। समस्त यज्ञ अधर्म से पीड़ित होकर विनष्ट हो जाएंगे। सन्यासी शास्त्र ज्ञान से रहित होंगे तथा कापालिक बहुत से होंगे। कुछ लोग वेद बेचेंगे तो अन्य लोग तीर्थों का विक्रय करेंगे। अन्य पाखंडी लोग वर्णा आश्रम धर्म के प्रतिकूल आचरण करेंगे। कलयुग के उपस्थित होने पर इस प्रकार के लोग उत्पन्न होंगे तथा अधर्म अर्थ के पंडित बनकर शूद्र लोग वेदों का अध्ययन करेंगे तथा शूद्र जाति के राजा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उस समय सभी प्राणी स्त्रियों बालकों तथा गायों का वध करके परस्पर नाना विध उपद्रव उत्पन्न करेंगे। उस समय अपार दुख, अल्प आयु, शारीरिक कष्ट तथा व्याधियों से पीड़ित लोग अवश्य होंगे। ऐसा कहा गया है कि कलयुग में अधर्म के प्रति अत्यंत आसक्ति होने के कारण लोगों का आचरण तमोगुण प्रधान होगा। उस समय प्रजाओं में ब्रह्म हत्या आदि महापाप कर्म करने की विशेष तत्परता होगी। अतएव कलयुग को प्राप्त कर प्रजाओं की आयु, बल तथा रूप आदि का क्षय होगा। उस समय अल्पकाल के धर्माचरण से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होगा। उस कलयुग में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वेष रहित होकर वेदों तथा स्मृतियों में प्रतिपादित धर्मों का आचरण करेंगे, वे धन्य धान्य होंगे। त्रेता में वर्ष भर तथा द्वापर में मास भर धर्म का आचरण करने से जिस फल का प्राप्त होना बताया गया है, ज्ञानवान व्यक्ति कलयुग में वही फल यथाशक्ति एक दिन धर्म आचरण करके प्राप्त कर लेता है। यह कलयुग की दशा का वर्णन किया गया है तथा अब आप उसका संध्यांश मुझे जान लीजिए। युग युग में सिद्धियों के 3 पादों का हास होता है। युग के स्वभाव वाली संध्याएं यहाँ पाद से न्यून होकर रहती हैं। इस प्रकार संध्या के स्वभाव अपने अंशों में अर्थात संध्यांशों में 1/4 से न्यून होकर प्रतिष्ठित रहते हैं। इस प्रकार युगांत में संध्यांश काल के उपस्थित होने पर दुष्ट प्राणियों के संहार के लिए उनका एक महान शासक आविर्भूत होगा। पूर्व काल में स्वयंभू मन्वंतर में जो प्रमिति नाम से विख्यात रहे हैं, वे मनुपुत्र के अंश से इस कलयुग के समाप्ति काल में चंद्रमा के गोत्र में सोम शर्मा नामक ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होंगे। शस्त्रधारी ब्राह्मणों से निरंतर परिव्रत वे हाथी, घोड़े तथा रथ से युक्त विशाल सेना साथ में लेकर पूरे 20 वर्ष तक पृथ्वी पर घूम घूम कर सैकड़ों तथा हजारों बार मिलेशों का वध करेंगे। परम ऐश्वर्य संपन्न वे ब्राह्मण पुत्र शूद्र योनि में उत्पन्न उन सभी पाखंडी राजाओं को मारकर पृथ्वी को उनसे पूर्णतः विहीन कर देंगे। अधर्म का आचरण करने वाले, वर्ण व्यवस्था के प्रतिकूल चलने वाले तथा इनके जो अनुजीवी हैं, उन सभी को वे मार डालेंगे। सभी प्राणियों के लिए अजेय मिलेच्छों के संहारक अत्यंत बलशाली तथा प्रवृत्त अज्ञात मंडल वाले वे समग्र भूमंडल पर विचरण करेंगे। पूर्व जन्म में वीर्यवान प्रमिति नाम वाले वे इस कली में मनुपुत्र
विष्णु देव के अंश से सौम गोत्र में कलयुग के पूर्ण उत्पन्न होने पर 20 वर्ष तक पराक्रम प्रदर्शित करने वाले वे सैकड़ों हजारों विधर्मी प्राणियों को नष्ट करते हुए पृथ्वी को क्रूर कर्माजनों से शून्य प्राय सा करके आकस्मिक तथा पारस्परिक समुत्पादित कोप के द्वारा उन अधार्मिक वृषला प्राय जनों को मारकर 32वें वर्ष के उदित होते ही मंत्रियों सहचरों तथा सैनिकों सहित श्री गंगा श्री यमुना जी के मध्य स्वयं को संस्थापित कर लेंगे। धर्मच्युत सभी पार्थिवों तथा हजारों मिलेच्छों को नष्ट करके उस कलयुग में संध्यांश के समुपस्थित होने पर यत्र तत्र थोड़ी ही प्रजाएं बची रहेंगी। वे आत्मनियंत्रण खोकर तथा पूर्ण रूप से लोभ के वशीभूत होकर एक दूसरे से कृत्रिम नम्रता प्रदर्शित करती हुई उन्हें विश्वास में लेकर उनकी हिंसा कर डालेंगी। युग के प्रभाव के कारण अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने पर वे सभी प्रजाएं परस्पर भय से ग्रस्त होकर व्याकुल तथा भ्रमित हो जाएंगी। लोग अत्यंत दुखित तथा करुणा शून्य होकर अपनी पत्नियों तथा घरों को छोड़कर अपने प्राणियों की भी परवाह न करने वाले होंगे। स्रोत तथा स्मार्ट धर्म के नष्ट हो जाने पर सभी प्रजाएं मर्यादाहीन अत्यंत क्रूर स्नेह रहित तथा निर्लज्ज होकर एक दूसरे की हिंसा कराने में तत्पर होंगी। धर्म के नष्ट हो जाने पर पतन हो जाने पर लोग प्रायः लघु आकार वाले तथा 25 वर्ष की आयु वाले होंगे। आपसी कलह से व्याकुल इंद्रियों वाले लोग अपनी पत्नियों तथा पुत्रों का त्याग कर देंगे। वृष्टि न होने के कारण दुखित प्रजाएं कृषि कर्म का पूर्ण रूप से त्याग करके अपने अपने देशों को छोड़कर मिलेच्छ देशों नदी समुद्र कुएं तथा पर्वत आदि स्थानों पर शरण लेंगी। प्रजाएं अत्यंत दुखित होकर मधुमास कंदमूल तथा फलों पर जीवन निर्वाह करेंगी। वे परिग्रह रहित तथा निष्क्रिय होकर वृक्षों की छाल तथा उनके पत्ते वस्त्र रूप में धारण करेंगे। वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था से भ्रष्ट हुए घोर लोग कष्ट में पड़ जाएंगे और इस प्रकार भीषण दुख आ जाने के कारण थोड़ी ही प्रजा बच पाएगी। बुढ़ापा रोग तथा क्षुधा से पीड़ित लोगों के मन में उस दुख से निर्वेद उत्पन्न होगा। पुनः उस निर्वेद से साम्यावस्था वाली विचारणा विचारणा से साम्य व्यवस्थापक बोध और अंत में उस बोध से धर्माचरण के प्रति प्रवृत्ति जागृत होगी। कलयुग की बची हुई वे प्रजाएं स्वयं शक्ति सामर्थ्य के अभाव में शांति युक्त हो जाएंगी। इसके बाद सुप्त तथा मत्त की भांति उन प्रजाओं का चित्त सम्मोहन करके एक दिन रात में ही कलयुग परिवर्तित हो जाएगा और इस प्रकार काल धर्म के अनुसार कलयुग को दबाकर सतयुग प्रवर्त हो जाएगा। तदनंतर उस समय जो सप्त सिद्ध लोग रहते हैं वे अदृश्य रूप में सप्त ऋषियों के साथ व्यवस्थित होकर विचरण करते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र तथा वैश्य बीज के लिए कहे गए हैं वे सब कलयुग में उत्पन्न होने वालों के लिए उस समय विशेषता रहित होकर रहते हैं। वर्णाश्रम के आचार वाला जो स्रोत तथा स्मार्त दो प्रकार का धर्म होता है उस धर्म को उन लोगों के लिए सप्तर्षि तथा सप्त सिद्ध लोग उपदेश करते हैं। इस प्रकार उन लोगों के कर्मनिष्ठ हो जाने पर कृत युग में प्रजाएं बढ़ने लगती हैं। उन सप्त ऋषियों के द्वारा स्रोत स्मार्त संबंधी धर्मों का उपदेश करने से कुछ लोग युग के छह के समय इस पृथ्वी लोक में धर्म की व्यवस्था के लिए रह जाते हैं। वे मुनिगण मनवंतरों के अधिकारों में स्थित रहते हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी पर दावानल से वनों के तरण आदि के जल जाने पर बाद में प्रथम वृष्टि के उनके मूलों में पुनः अंकुरण होता है उसी प्रकार कलयुग में उत्पन्न हुए लोगों से ही कृतयुग के प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अव्यवस्थित रूप से
इस लोक में मन्वंतर के क्षय तक एक युग के कुछ संतान दूसरे युग में विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक चतुर्युगी में सुख आयु बल रूप धर्म अर्थ तथा काम ये सभी क्रम से तीन तीन पादों के हास को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रत्येक युग के अंत तक इनके एक एक पाद का ह्रास होता जाता है। इसी प्रकार युग के संध्यांश में प्रत्येक युग की धर्म सिद्धियों का भी हास होता है। इस तरह मैंने क्रम से प्रत्येक सिद्धि का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार सभी चारों युगों की स्थिति बनी रहती है। चारों युगों की एक आवृत्ति का जो 1000 गुना है वही परमपिता ब्रह्मा जी का एक दिन कहा गया है और उतनी ही बड़ी उनकी एक रात कही जाती है। ज्यों ज्यों युग का क्षय होता है प्राणियों में जड़ता भाव तथा स्वभाव की सरलता का अभाव बढ़ता जाता है, यही सभी युगों का लक्षण कहा गया है। क्रम से एक चतुर्युग का 71 6/14 बार आवर्तन एक मन्वंतर कहा जाता है। जो व्यवहार इस चतुर्युग में घटित होता है वही क्रमशः दूसरे चतुर्युगों में भी होता है। प्रत्येक सर्ग में 25 प्रकार के भेदों वाले जो तत्व होते हैं वे ही जैसे सदा उत्पन्न होते हैं और इससे कम या अधिक नहीं, उसी प्रकार युग के साथ साथ लक्षणों सहित कल्प भी होते हैं। सभी मन्वंतरों का भी यही लक्षण है। युगों के स्वभाव के अनुसार जिस प्रकार चिरंकाल से प्रवृत्त होने वाले युगों में परिवर्तन होता है उसी प्रकार युगों के अनुरूप क्षय तथा उदय से यह जीवलोक भी युगों के अनुरूप संस्थिता रहता है और इसमें भी युगों के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार सभी मन्वंतरों में बीते हुए तथा आने वाले युगों के लक्षण संक्षेप में कहे गए हैं। इसी तरह एक मन्वंतर से सभी मन्वंतरों की व्याख्या की गई है। एक कल्प के लक्षणों से सभी कल्पों के लक्षण समझ लेना चाहिए। एक कल्प के लक्षण इस विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। उसी भांति ज्ञानी पुरुषों को इस लोक में बीते हुए तथा आने वाले सभी मन्वंतरों के विषय में कल्पना कर लेनी चाहिए। जो 8 प्रकार के देवता मन्वंतरों के स्वामी ऋषिगण मनुगण आदि हैं वे सब तुल्य अभिमान नाम रूप वाले हुआ करते हैं। साथ ही उन सभी का समान प्रकार का प्रयोजन भी होता है। इस प्रकार मैंने युग उनके धर्म वर्णाश्रम के विभाग योगों की सिद्धियां योगों के परमार्थ जिन्हें युग युग में परमात्मा धारण करते हैं इन सब के विषय में आपसे प्रसंग के अनुसार कह दिया। अब मैं आपके पद्म योनि परमपिता ब्रह्मा जी के देवी के पुत्र रूप में उत्पन्न होने के विषय में संक्षेप में कह रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इकतालीसवां अध्याय, विभिन्न कल्पों में त्रिदेवों का परस्पर प्राकट्य। परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा श्री महेश्वर की नामाष्टक स्तुति का वर्णन आइए शुरू करें। देवराज इंद्र बोले, तत्पश्चात 1000 चतुर्युगी के व्यतीत हो जाने पर प्रभात वेला में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने नष्ट हुई प्रजाओं का पुनः पूर्ववत सृजन किया। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी के परार्ध का दूना समय बीत जाने पर पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में अपनी अपनी तन्मात्रा सहित व्याप्त हो गए। हे द्विज श्रेष्ठ, दसों इंद्रियां, मन तथा तन्मात्राएं अहंकार को प्राप्त कर तत्क्षण उसी में विलीन हो गई। अहंकार उस महत को व्याप्त करके तथा महत भी अव्यक्त को व्याप्त करके उसी क्षण उनमें विलीन हो गया। हे द्वज, अव्यक्त भी अपने गुणों के साथ महेश्वर में समाहित हो गया। इसके अनंतर उन्हीं परम पुरुष भगवान शिव से पूर्व की भांति सृष्टि होने लगी। एक तदनंतर पद्म योनि श्री ब्रह्मा जी ने अपने मन से
मानस पुत्रों का सृजन किया। इस लोक में जब प्रजाओं की वृद्धि न हो सकी तब प्रजा वृद्धि के लिए स्वयं भगवान परम पिता ब्रह्मा अपने मानस पुत्रों के साथ महेश्वर के निमित्त कठोर तप करने लगे। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वे महेश्वर भगवान शिव उनकी कामना समझकर उन पुरुष रूप परमपिता ब्रह्मा जी के ललाट के मध्य भाग का भेदन करके मैं आपका पुत्र हूँ ऐसा कहकर स्त्री पुरुष रूप में प्रकट हो गए। उनके पुत्र वे श्री महादेव अर्ध नारीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तब उन्होंने जगत गुरु ब्रह्म सहित श्री ब्रह्मा जी के कुछ दग्ध कर दिया। इसके बाद भगवान शिव जी ने समग्र जगत की वृद्धि के लिए योग माया एवं योग मार्ग के द्वारा कल्याणमयी अर्धमात्रा स्वरूपिणी अपनी अर्धांगिनी परमेश्वरी के साथ संसर्ग किया। विश्वेश्वर विश्वात्मा परमेश्वर भगवान शिव ने उन परमेश्वरी से भगवान विष्णु परम पिता ब्रह्मा और पाशुपत अस्त्र का सृजन किया। इसीलिए परम पिता ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु को श्री महादेवी के अंश से उत्पन्न कहा गया है और उन श्री ब्रह्मा जी को अंडज पद्म और भवांग भव की कहा जाता है। मैंने आपसे यह संपूर्ण पुरातन इतिहास कह दिया। जब तक श्री ब्रह्मा का प्रार्ध रहता है तब तक के लिए उनके ऐश्वर्य तथा तमोगुण से प्रादुर्भूत उनके वैराग्य के विषय में मैं संक्षेप से कहूँगा। भगवान नारायण ने भी अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके अपने उसी अंग से संपूर्ण चराचर की सृष्टि की। तब उन्होंने श्री ब्रह्मा जी का सृजन किया और पितामह श्री ब्रह्मा जी ने रुद्र का सृजन किया। हे मुने, दूसरे कल्प में रुद्र ने भगवान विष्णु परम पिता ब्रह्मा और ईश्वर भगवान शिव को उत्पन्न किया। हे मुने, दूसरे कल्प में श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ने परम पिता ब्रह्मा जी का सृजन किया। पुनः दूसरे कल्प में परम पिता ब्रह्मा जी ने नारायण को और फिर भव रुद्र ने श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि की। तत्पश्चात अजन्मा भगवान ब्रह्मा यह संसार दुख रूप है ऐसा सोचकर सृष्टि कार्य छोड़ करके अपने को आत्म तत्व से अवस्थित कर प्राण संसार को निरुद्ध करके पाषाण की भांति अचल होकर 10,000 वर्षों तक समाधि में स्थित रहे। तब उनके हृदय में जो नीचे की ओर मुख वाला सुंदर कमल विराजमान था वह पूरक प्राणायाम द्वारा वायु पूरित होकर विकसित हो उठा और पुनः कुंभक प्राणायाम द्वारा वायु निरुद्ध होकर ऊर्ध्वमुख वाला हो गया। तब उन्होंने परमेश्वर को उसी कमल की कर्णिका के मध्य में स्थापित कर दिया। तदनंतर आत्म नियंत्रण करने वाले संयम के द्वारा विशुद्ध आत्मा वाले तथा पूजन के योग्य श्री ब्रह्मा जी ने ओमकार शब्द से संबंध रखने वाली अर्धमात्रा से परे जो नाद है उससे भी परे ब्रह्म संज्ञक नाद स्वरूप मृडालंतु के शतभाग के एक भाग में अवस्थित परम सूक्ष्म पीतवर्ण अग्निशिखा सदृश यम नियम योगांश पुष्पों के द्वारा पूजनीय तथा अविनाशी ईश्वर को अपने हृदय में ध्यानावस्थित करके उनकी पूजा की। तब हृदय कमल में विराजमान रहने वाले उन श्री ब्रह्मा जी के अंश से जायमान सर्वव्यापी रुद्र उनके ललाट का भेदन करके पितामह से उत्पन्न हुए। भगवान शिव के हृदय से प्रादुर्भूत पुरुष रुद्र स्वभावतः स्वयं नील होते हुए भी अग्नि के संयोग के कारण लोहित रक्तवर्ण के हो गए। क्योंकि वे कालाकृति पुरुष रुद्र नील और लोहित वर्ण के हुए अतः वे ब्रह्मदेव प्रभु रुद्र को नील लोहित ऐसा कहने लगे। काल रूप भगवान रुद्र परम पिता ब्रह्मा जी से अत्यंत प्रसन्न हुए। हे महामुने, तदनंतर
विश्वात्मा पितामह ब्रह्मा नामाष्टक स्त्रोत्र से प्रसन्न चित्त विश्वात्मा भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। श्री पितामह बोले, हे भगवन, हे रुद्र, हे भास्कर, अमित तेजस्वी आपको प्रणाम है। अम्बमय तथा रस स्वरूप आप भगवान भव को नमस्कार है। गंधमय पृथ्वी रूप सर्व को नित्य नमस्कार है। स्पर्श गुण युक्त वायु रूप ईश्वर को बार बार प्रणाम है। अमित तेजस्वी अग्नि रूप पशुपति को प्रणाम है। शब्द तन मात्रा वाले व्योम रूप आप भीम को नमस्कार है। आप अमृतमय चंद्र स्वरूप महादेव को नमस्कार है। आप कर्म योगी यजमान रूप उग्र को नमस्कार है। जो मनुष्य समाहित चित्त होकर पितामह श्री ब्रह्मा जी के द्वारा रुद्र के लिए कहे गए इस स्त्रोत का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं या सुनाते हैं ब्राह्मणों को, वह एक वर्ष में ही अष्टमूर्ति भगवान रुद्र का साहिज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार स्तुति करके जब पितामह ने श्री महादेव जी की ओर देखा तब वे सभी ओर आठ प्रकार के विभक्त होकर सुशोभित होने लगे। उसी समय से सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाश करने लगे और पृथ्वी वायु यजमान रूप पुरुष जल तथा सर्वव्यापी गगन अपने अपने गुण धर्म से समन्वित हुए। उसी समय से लोग उन ईश्वर को अष्टमूर्ति इस नाम से कहने लगे। उन्हीं अष्टमूर्ति के अनुग्रह से श्री ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि करने लगे। उन्हीं अष्टमूर्ति के अनुग्रह से श्री ब्रह्मा जी इस परिपूर्ण जगत का सृजन करके पुनः दूसरे कल्प में हजार युग पर्यंत चराचर संसार के सुप्त रहने पर भगवान ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि करने के विचार से अत्यंत उग्र तप आरंभ कर दिया। इस प्रकार तप करते हुए उन श्री ब्रह्मा जी को जब कोई सफलता न प्राप्त हुई तब दीर्घ काल तक तप करने उत्पन्न दुख के कारण उन्हें क्रोध आ गया। तब क्रोधाविष्ट उन ब्रह्मा के नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरने लगे। तदनंतर उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत प्रादुर्भूत हो गए। तब उन सभी भूत प्रेत निशाचरों को पहले उत्पन्न हुआ देखकर अजन्मा तथा परम ऐश्वर्यशाली भगवान श्री ब्रह्मा अपने को कोसने लगे। इससे उन भगवान पितामह ने कोपाविष्ट होकर अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात उन प्रभु के मुख से उदयकालीन सूर्य के समान कांति वाले अर्ध नारीश्वर के रूप में होकर प्राणमय रुद्र प्रकट हुए। तब वे अपने को 11 स्वरूपों में विभक्त करके व्यवस्थित हो गए। उन सर्वात्मा रुद्र ने अपने आधे अंश से कल्याणकारिणी उमा को आविर्भूत किया। तत्पश्चात श्री उमा ने लक्ष्मी श्री दुर्गा तथा श्रेष्ठ माँ सरस्वती का सृजन किया। पुनः उन्होंने वामा रौद्री महामाया कमल के समान नेत्रों वाली वैष्णवी फल विकरणी काली कमल वासिनी बल विकरणी देवी बल प्रथमिनी सर्व भूत दमनी और मनोन्मनी का सृजन किया। इसी प्रकार उन्होंने अन्य बहुत सी नारियों की सृष्टि की। तब तीनों लोकों के स्वामी परमेश्वर महादेव समस्त रुद्रों तथा उन देवियों के साथ उन सर्वात्मा ब्रह्मा जी के समक्ष खड़े हो गए। तदनंतर ब्रह्मपुत्र दयालु परमेश्वर भगवान शिव ने उन मरे हुए परमेष्टि भगवान ब्रह्मा को पुनः प्राण प्रदान कर दिए। जब प्रभु भगवान शिव ने परमपिता ब्रह्मा में आत्मस्थित प्राणों का संचार किया तब उन्हें कुछ कुछ चेतना युक्त देखकर भगवान रुद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवेश्वर भगवान शिव ने परमपिता ब्रह्मा जी से यह श्रेष्ठ वचन कहा, हे देव डरिए मत, हे महाभाग, हे वृंच, हे जगत गुरु, मैंने आप में प्राण स्थापित कर दिए हैं। अतः हे प्रभु,
आव आप उठिए। तब उनका स्वप्नभूत मनोगत वचन सुनकर पितामह प्रसन्न चित्त हो गए। तदनंतर लब्ध प्राण श्री ब्रह्मा जी ने अपने खिले हुए कमल के समान नेत्रों से भगवान श्री महेश्वर को देखा। बहुत समय तक उन्हें देखते रहने के पश्चात भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उठ करके दोनों हाथ जोड़कर स्नेह युक्त गंभीर वाणी में उनसे कहा, हे महाभाग, आप मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। एकादश रूपों में प्रतिष्ठित अष्टमूर्ति आप कौन हैं? इंद्र बोले, उनका वचन सुनकर देव शत्रुओं का संहार करने वाले महेश्वर अपने सुखप्रद हाथों से श्री ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए उनसे कहने लगे। तब उनका स्वप्नभूत मनोगत वचन सुनकर पितामह प्रसन्न चित्त हो गए। तदनंतर लब्ध प्राण श्री ब्रह्मा जी ने अपने खिले हुए कमल के समान नेत्रों से भगवान श्री शंकर जी को देखा। उन्हें देखते रहने के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने उठ करके दोनों हाथ जोड़कर स्नेह युक्त गंभीर वाणी में उनसे कहा, हे महाभाग, आप मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। एकादश रूपों में प्रतिष्ठित अष्टमूर्ति आप कौन हैं? देवराज इंद्र बोले, उनका वचन सुनकर देव शत्रुओं का संहार करने वाले महेश्वर अपने सुख प्रद हाथों से श्री ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए उनसे कहने लगे। भगवान शंकर जी कहने लगे, मुझे परमात्मा तथा इन्हें अजन्मा माया समझिए और सामने खड़े ये रुद्र आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ आए हैं। तदनंतर उन देवादिदेव को प्रणाम करके परमपिता ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर हर्षपूर्वक गदगद वाणी में कहा, हे भगवान, हे देव देवेश, मैं दुखों से अत्यंत व्याकुल हूँ। हे ईशान, हे शंकर, मुझे इस संसार से मुक्त करने में आप समर्थ हैं। तत्पश्चात पितामह श्री ब्रह्मा की इस बात पर हंसकर सर्वव्यापी तथा जगत के स्वामी उमापति भगवान शिव रुद्रों तथा उन भगवती उमा के साथ अंतर ध्यान हो गए। भगवान इंद्र बोले, हे शिलाद, अतः समस्त लोकों में अयोनिज तथा मृत्यु रहित पुरुष अतः सर्वथा दुर्लभ है। यहाँ तक कि वे पद्म योनि ब्रह्मा भी मृत्युंजय हैं, ऐसा जानिए। किंतु यदि देवेश्वर भगवान रुद्र प्रसन्न हो जाएं, ऐसा जानिए। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो जाएं तो आपके लिए मृत्यु रहित तथा अयोनिज पुत्र दुर्लभ नहीं है। मैं भगवान विष्णु तथा महात्मा ब्रह्मा भी मृत्युहीन तथा अयोनिज पुत्र देने में असमर्थ हैं। शैल आदि बोले, इस प्रकार विप्रेंद्र से कहकर तथा उन पर अनुग्रह करके वे दयालु देवराज इंद्र देवताओं के साथ श्वेत वर्ण वाले ऐरावत पर आरूढ़ होकर चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 42वां अध्याय। शिलाद द्वारा तप करने से भगवान महेश्वर का नंदी नाम से उनके पुत्र के रूप में प्रकट होना और शिलाद द्वारा नंद केश्वर भगवान शिव की स्तुति। श्री सूत जी बोले, वर प्रदान करने वाले पुण्यशाली सहस्र नेत्र देवराज इंद्र के चले जाने पर वे शिलाद महादेव भगवान शिव की आराधना करते हुए तप के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। इस प्रकार निरंतर तपस्या में संलग्न उन द्विज शिलाद के 1000 दिव्य वर्ष एक क्षण की भांति अद्भुत रूप से व्यतीत हो गए। उनका शरीर
वल्मीक वोवी से ढक गया। वे मुनि वज्र सूची वज्र तथा सुई के समान मुख वाले तथा अन्य रक्त भोजी कीटों से लिपटे शरीर वाले परिलक्षित हो रहे थे। वे मांस रुधिर त्वचा से विहीन होकर अस्थि मात्र शरीर वाले हो गए थे, फिर भी वे निर्लिप्त भाव से भित्ति की भांति निश्चल खड़े थे। तब उन्हें इस रूप में तप करते हुए भगवान शंकर ने जान लिया। वहां प्रकट होकर काम रिपु भगवान शिव ने ज्यों ही अपने हाथ से मुनि का स्पर्श किया, त्यों ही मुनि श्रेष्ठ द्विज शिलाद का तपस्या जनित क्लेश समाप्त हो गया। तदनंतर तपस्या रत उन मुनि के तप से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, मैं अपने गणों तथा देवी उमा सहित आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे महामते, इस तपस्या से आपका क्या प्रयोजन है? मैं आपको सर्वज्ञ तथा समस्त शास्त्रों के रहस्यों का पारगामी विद्वान पुत्र प्रदान करता हूँ। तब देवेश भगवान शिव को प्रणाम करके और उनकी स्तुति करके शिलाद मुनि हर्षपूर्ण गदगद वाणी में चंद्रभूषण भगवान शिव से कहने लगे। शिलाद बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, हे त्रिपुरार्दन, हे शंकर, हे सत्तम, मैं अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र चाहता हूँ। श्री सूत जी बोले, पूर्व में परम पिता ब्रह्मा जी के द्वारा तपस्या से आराधित परमेश्वर भगवान रुद्र ने प्रसन्नता के साथ मुनि शिलाद से कहा। भगवान देव देव भगवान शिव बोले, हे पिप्र, हे तपोधन, मुनियों तथा श्रेष्ठ देवताओं सहित परम पिता ब्रह्मा जी ने अवतार ग्रहण करने के लिए पूर्व काल में तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। अतः मैं नंदी नाम से तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। हे मुने, आप मुझ पर जगत पिता के भी पिता होंगे। ऐसा कहकर सम्मुख स्थित मुनि की ओर प्रेम पूर्वक देखकर उन्हें प्रणाम करके अमृत तुल्य भगवान शिव श्री उमा सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए।